गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, बीच रास्ते में एक बच्ची बैठी है, कहती है मुझे सरकार से मिलना है। हमारे सामने लाओ। बेटी, हमसे कुछ कहना चाहती है? हाँ महाराज, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। बहुत दूर से आई हूँ, देखो तो कितनी थक गई हूँ। वो क्या बात है बेटी जो तुम्हें इतनी दूर ले आई, और वो भी हमारी तलाश में? मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है। जब मैं बहुत रोने लगी तब किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। और ये सुनते ही तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो गई? हाँ महाराज, अगर आपने मुझे बेटी नहीं बनाया तो जानते हैं क्या होगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा और थककर रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। न बेटा, अब तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? भीम पलासी महाराज, इस नाम की भी एक बड़ी कहानी है। तुमने आज हमारी जान बचाई है, कहो क्या इनाम चाहते हो? अपना खिदमतगार बना लीजिए महाराज, और कुछ नहीं चाहता। इसे अपने साथ महलों में ले चलो। महाराज, महल दरबार में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। जिसके खानदान का मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा, ये पता नहीं कि कहाँ की रहने वाली है, माँ बाप कौन है, ऐसे लोगों को महल में आश्रय देना ठीक नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं दीवान जी कि अच्छाई और इंसानियत सिर्फ महलों में है, झोपड़ों में नहीं?
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ महाराज कि शाही यतीम खाना भी तो है, वहीं क्यों ना भेज दिया जाए इस लड़की को। इसने अपने महाराज से एक बात की मोहब्बत मांगी है दीवान जी, और वो राजा ही क्या जो एक नन्ही सी बच्चे को मोहब्बत की भीख देने से झिझक जाए। दीवान जी आप जा सकते हैं। नाना मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ आकर आपके बुलावे की राह देखूंगी। जगह होती है ये महल है या अस्पताल? है तो महल ही, घोड़ाशी होता तो अस्पताल। घोड़ा घोड़ा यहाँ हमारी हुकूमत, यहाँ जो भी चीज आ जाए वो हमारी हो जाती है। यहाँ जो चीज आ जाए वो तुम्हारी हो जाती है? तुम्हारी नहीं आपकी। को हमारे ख्याल में तुम भी तो चीज ही हो। एक झांबड़ कर दूंगी, चीज ही हो। इतनी नाजुक और प्यारी उंगलियां हैं कि अगर थप्पड़ लगा भी दो तो हाथ से उंगलियां निकल कर हमारे चेहरे पर ही लगी रहेंगी। लड़कियां लड़ाई झगड़ा उससे करती हैं जिससे मोहब्बत करती हैं, और अभी तो हमारी तुम्हारी जान पहचान भी नहीं हुई। कौन है तुम, कौन हूँ मैं? अंधे हो, दिखाई नहीं देता। अब दिखाई दिया। जान आसमान से उतर कर जैसे एक लड़की के कंधों पे टिक गया, और ये काली घटा जो चांद की पेशानी चूम रही है। अच्छा सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो तो क्या कहोगी जवाब में? मैं तुम जैसों से बात करना अपनी तौहीन समझती हूँ। डाकू कहीं के? तुम भी तो एक डाकू हो। हम पहाड़ी डाकू हैं, तुम मैदानी डाकू हो। हम घोड़े चुराते हैं और तुम दिल चुराते हो। मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो। मेरा दिल मुझे वापस कर। खबरदार जो ऐसी घटिया बातें की, जबान खिंचवा लूंगी। जानते नहीं मैं कौन हूँ? यही तो मैं कब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन है जबान खिंचवाने वाली। मैं राजकुमारी हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी राजकुमारी जी, इतनी खूबसूरत होकर भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया। हम जानते हैं कि महाराज की कोई औलाद नहीं। मैं राजकुमारी हूँ। जरूर जरूर आप राजकुमारी हो,
इसीलिए तो हम आपको दावत देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी मेहमान नवाजी कबूल करें। मगर हमें ये दावत कबूल नहीं। तो जाइए। हमारे इलाके में जो भी आ जाए उसे हमारा हुक्म मानना पड़ता है। आइए। बैठ बैठ। Okay.
कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत मोहब्बत को तो ऐसे हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत को तो ऐसे हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत को तो ऐसे हो कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत को तो ऐसे हो हम सम करते आए दुल्हनिया अपने पिया की ओर हो नैन मिला कर नैन तुझने बांध ली प्यार के डोर हो दिल के जीत महल में आया एक मत वाला चोर हो कहिए हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई सेब खाइए राजकुमारी सारा ये जिस पेड़ के हैं उसे मैंने अपने खून से सींचा है जी हाँ एक बार मेरी उंगली में चोट आ गई थी और सुनिए उस सेब के पेड़ के नीचे मैंने अपना जख्म धोया था ये तुम्हारी शरारत थी बगैर इजाजत के भागने वाले को यहाँ गोली मार दी जाती समझे अगर मैं पिस्तौल का मुंह न फेर देता तो तुम यही छंदी हो जाती देख लिया अपनी शरारत का नमूना अब मैं चलूंगी कैसे चलने की जरूरत क्या है तुम्हें तो उठाने का बहाना चाहिए चुटकी क्यों कोई हल्की तो हो नहीं तो कहा किसने था उठाने को ये लो गुस्से में तो तुम प्यारी लगती ही हो मगर तुम्हारी हंसी ने तो गजब ही ठा दिया घोड़े नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे चलेंगे चुरा कर दिल को यूं आंखें चुराना किससे सीखा है जरा सी बात पर ये रूठ जाना किससे सीखा है चले जाना तुम दूर बड़े शौक से दूर आए मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो ओ चले जाना तुम दूर बड़े शौक से दूर आए मेरा दिल मुझे वापस कर दो मेरा दिल मुझे वापस कर दो Thank you.
ओ मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे, मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे, तो जा नहीं पाओगे। चोरी चोरी गएगी तो फिर यहीं आओगे, वो चोरी चोरी गएगी तो फिर यहीं आओगे। दिल दे के जुदाई मुझे नहीं मंजूर है, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो। ओए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर है, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। जरा कह दो ये तिरछी नजर से के हमको सताए ना, जरा कह दो ये तिरछी नजर से के हमको सताए ना, के हमको सताए ना। मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाई ना, हो मैं हूँ कोई वैर तो ये छेड़ मुझे भाई ना। मैंने प्रीत लगाई हुआ मुझसे कसूर है, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। ए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर है, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। माफ करना मैंने दखल दिया। अरे देखो दखल में कितने प्यारे कांटे लगे हुए। कौन हो तुम? जी मैं साहब मेरा नाम भीम पलासी है। भीम पलासी जी, इस नाम की भी एक तारीख है। मेरा बाप महाभारत के जमाने में भीमसेन साहब की मुक्त की पारिश किया करता था, और मेरा बाप का बाप अपने यानी दादा पलासी की लड़ाई में जंगी घोड़ों की मालिश किया करता था, इसलिए मेरा नाम भीम पलासी रखा गया। आप मुझे भीमू कहिए। भीमू यहाँ क्या करने आया? राजकुमारी को वापस लेने आया। राजकुमारी? हाँ। कौन राजकुमारी? हाँ। ये राजकुमारी है, महाराज की मुंह बोले बेटी यही। हाँ। देखा, चलो फिर। अच्छा तो फिर महल में ही आना पड़ेगा दूसरी मुलाकात के लिए। महलों के दरवाजे चोरों पे नहीं खुला करते। कोई बात नहीं, हम कोई खिड़की या झरोखा ही ढूंढ लेंगे। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार याद फरमा रहे हैं। आपने मुझे बुलाया था? हाँ। कई बात तो ही बेटा, ये रियासत खतरे में पड़ गई, भागी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा और भागी महाराज को कत्ल कर देंगी। उस वक्त मैंने अपनी जान से लापरवाह होकर बगावत के उस तूफान को रोका था। उस लड़ाई में मेरा यह हाथ, ये टांग और ये आंख जाया हो गई थी, लेकिन मैंने रियासत को बचा लिया। इसी कुर्बानी से खुश होकर महाराज ने मुझे ये जागीर दी। लेकिन आज क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, आज फिर हुकूमत और महाराज की जिंदगी खतरे में है। पहाड़ी कबीलों ने किसी को रियासत में भेजा है कि वो महाराज को कत्ल कर डाले, और मैं ये चाहता हूँ कि आज जबकि मैं अपाज, महाराज की हिफाजत का बीड़ा तुम उठाओ। आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज। तो प्रतिज्ञा लो कि महाराज की खातिर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो दरेग न करोगे। आपकी जाबाजी और दिलावरी की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है, महाराज पर आंच ना आने दूंगा। शाबाश। आपकी इसी तलवार से महाराज पर वार करने वाले की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जी बेटा, तलवार एक डरपोक का पहला और एक बहादुर का आखिरी सहारा है, इसे वही रख दो। बहादुर इसका सहारा उस वक्त लेता जब वह हर कोशिश में नाकामयाब हो। बहुत अच्छा पिताजी। बगैर इजाजत के भागने वाले को
यहाँ गोली मार दी। ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्म के बगैर तुम खड़ी भी नहीं रह सकती। तुम्हें गोली लगी, फिर जाओ। मुझे गोली लगी? चमकते हुए तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। इसमें हमारा खून भरा हुआ। मैं जाता हूँ। चाहे कहीं के दस बरस महलों में काटे, मगर रहे वही जामलू के जामलू। हम तो खेल रहे थे दीवान जी, लीजिए आप भी चेक खाइए। महलों में रहने का सलीका भी नहीं आए। अब आपको शिकायत नहीं रहेगी दीवान जी। दोनों तुम जो इजाजत बगैर हमारे इलाके से गुजर रहे हो, हम राजमहल को जा रहे हैं। राजमहल क्यों? राजकुमारी को पढ़ाने लिखाने के लिए महाराज ने हमें राजमहल बुलाया है। ओ, तो राजकुमारी को पढ़ाने के लिए आप राजमहल जा रहे हैं। उस्ताद जी हमारे मेहमान हैं, इनकी जरा अच्छी तरह से खातिर तवाजो करो। आइए। गाली मत दो, हाँ बोलता है तुमको। गाली नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी खोपड़ी में दमाग हो तो तुम्हारी समझ में आए, मगर तुम्हारी खोपड़ी में तो गोबर भरा है, गोबर। हाँ, क्या कहा? गोबर? तमीज से बात करो, जानते नहीं तुम इस वक्त राजकुमारी के सामने खड़े हो। तमीज? राजकुमारी को तमीज सिखाने के लिए तो हमें बुलाया गया है, हम राजकुमारी के उस्ताद हैं। ओ, तो आप हैं उस्ताद? जी हाँ, और आप हैं वही राजकुमारी जो जंगली, जाहिल, गवार वगैरह वगैरह और जिन्हें अदब, तमीज वगैरह वगैरह सब कुछ हमें सिखाना है। तो सिखाइए। सीधी खड़े हो, हाथ नीचे, पैर अंदर, सीधी सी टांग 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 जब भी उतांग जब नीचे चूस टांग कभी हंस नहीं खड़े 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 कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, जाहिल हमेशा जाहिल रहेगा, तुम कभी राजकुमारी नहीं बन सकते। सुना तो उस्ताद जी, आप ही राजकुमारी बन के दिखा दीजिए। रुमाल देखो, उस्ताद जी अगर आप औरत के कपड़े पहन ले तो सचमुच औरत हो जाए। हमें महाराज का हुक्म है कि देखिए उस्ताद,
चाहे आप इस लड़की को घूंसा मारिए, चांटा मारिए, हंटर मारिए, कुछ भी मारिए, मगर इसे राजकुमारी बना के छोड़िए। उस्ताद जी, ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी हुकूमत है। गलत, हुकूमत हमारी रही, क्योंकि हम तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारे बाप के भी उस्ताद हैं, इसलिए हमारे हर हुकुम की तामील हो। बहुत अच्छा उस्ताद जी। उस्ताद जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप दूर खड़े रहकर मुझे सिखाएं? तांगा, तांगा, हमारी उस्तादी में यही एक तरीका है, जिस किसी लड़की को रात के उल्टे सीधे तरीके सीखने हो वो हमें उस्ताद माने। और सुन, उस्तादों के सामने सर झुका के बात करते हो। और इतना नहीं, ये क्या बदतमीजी है? महाराज के हुक्म से इन्हें तमीज सिखा रहा था। महाराज की आड़ लेकर तुम बहुत बदलगाम हो रहे हो, तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। आप ठीक करेंगे? हुकूमत तो यहाँ महाराज की चलती है। महाराज सिर्फ तख्त पर ही बैठते हैं और हुकूमत मेरी चलती है। पकड़ लो इसे। मेरा कोई आदमी नहीं। उस्ताद जी की खातिर तवाज़ो में कोई कमी न रहे दीवान जी। ऐसी खातिर करूंगा कि याद रखेगा। ले चलो। राजकुमारी जी, आपके उस्ताद जी को उन्होंने रीछ के पिंजरे में डाल दिया है। हाँ जी हाँ, वो खतरनाक रीछ जो आज तक कई आदमियों को मार चुका है। गोड़ गान गिन तुन्ना फिर फूर फार छिन चुन्ना क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली ओ क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली ओ प्यार की आग में जल जाने को आज कोई दीवाना आया आज कोई दीवाना आया क्षमांजली ओ क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली ओ आँख से निकले खुशी के आंसू जब आपे तो अफसाना आया जब आपे तो अफसाना आया क्षमांजली ओ क्षमांजली परवाना आया क्षमांजली दुनिया में दो दिल वालों का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है दुनिया में दो दिल वालों का मिलकर बिछड़ना खेल नहीं है हाय खेल नहीं है
जीवन भर का संग है अपना, चार दिनों का मेल नहीं है। जीवन भर का संग है अपना, चार दिनों का मेल नहीं है। ओ नाचक फिर महफिल में तेरी, देख तेरा मस्ताना आया, देख तेरा मस्ताना आया क्षमा जली। ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली, ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली। मज थोड़ गन गिन सुनना, फिर पुर फर छिन चुनना। हमसे चले परवाना बन कर, हमको सिखा दो अपनी अदाएं। हमसे चले परवाना बन कर, हमको सिखा दो अपनी अदाएं। तुम क्या जानो आग पराई, वो न सकेंगी तुमसे बफाएं। तुम क्या जानो आग पराई, वो न सकेंगी तुमसे बफाएं। हमने जो फूका तन मन अपना, जब भी तुम्हें जल जाना आया, जब भी तुम्हें जल जाना आया क्षमा जली। ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली, ओ क्षमा जली परवाना आया क्षमा जली। देखिए महाराज, जो अपराधों पर यही ढंग होते हैं। ये तो बड़े नेक मालूम होते हैं। ताऊ जी ताह ताव ताबू। और पिताजी सिखाते वक्त तो वो सिखाते हैं कि बस मैं आपसे बयान नहीं करती। बयान करने की क्या जरूरत है, ये तो चेहरे से जाहिर होता है कि बड़े जहीन और होशियार आदमी हैं। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया ताऊ जी ताई ताई आऊ। हमें शुभा होता है कि हमने पहले तुम्हें कहीं देखा है। महाराज मुझे भी शुभ होता है, ये जरूर कोई दुश्मन जो भेष बदल कर महल में दाखिल हुआ। आपका ये शुभ यकीन गलत है। हाँ राज ताऊ जी। जी महाराज। आदावर दीवान जी। राज तुम कब उस्ताद बन गए, और जिन्हें हमने बुलवा भेजा था वो क्या हुए? अब वो उस्ताद जी, ऐसा हुआ महाराज कि वो उस्ताद जी हमारे इलाके में आके बीमार पड़ गए और मुझसे कहने लगे कि अगर मैं वक्त पे महलों में ना पहुंचा तो महाराज मुझे कत्ल करवा देंगे। मुझे बेचारे की हालत पर रहम आ गया तो मैं भेद बदल कर महल में चला आया और राजकुमारी को शाबाश। नेक बाप के नेक बेटे को ऐसे ही नेक काम करने चाहिए। तुम महलों में आ ही गए हो तो आज से हमारे मेहमान हो। चलो दीवान जी उस्ताद जी को सबक सिखाने दो। आज तो पिताजी ने मुझे याद फरमाया। हजार बार कहा कि मुझे पिताजी नहीं दीवान जी कहा करो, लोगों को ये रिश्ता मालूम हो गया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन ये रिश्ता तो फिर भी नहीं बदलेगा, तो उनका रिश्ता है ना पिताजी, दुनिया नहीं जानती तो क्या हुआ। जोहर तुम बड़े नालायक हो। बड़े तो आप हैं पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूं। खैर खिदमत बताइए। मैं जो कहने लगा हूं उसे गौर से सुनना। फरमाइए। मैं सर से पांव तक एक कान बना। मैंने तुम्हारी खातिर राज के बाप ठाकुर को, जो महाराज के बहुत करीब आ गया था, एक जागीर दिलवाकर महल से दूर भिजवा दिया। ये मैं जानता हूं पिताजी। लेकिन अब अंबर की मोहब्बत का ढोंग रचाकर राज भी महाराज के करीब आ गया है, और ये हम दोनों के लिए, खासकर तुम्हारे लिए खतरनाक है। मैंने उसे रीस से मरवाने की कोशिश की, मगर वो वहां से भी बच गया।
मैं मामले की नजाकत को भाप गया हूँ। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? अंबर और राज दोनों पर नजर रखो, कहीं ऐसा न हो कि वो महाराज के इतना करीब आ जाएं कि फिर उनके और तख्त के दरमियान कोई फासला न रह जाए। आप बेफिक्र रहें पिताजी। आपका बुलावा आ गया नाना, मैं भी आती हूँ। इस शोले के बुझने से पहले पहले आपके पास पहुंच जाऊंगी। आप पहचाना? जी हाँ, कल तक तो आप हमारे उस्ताद थे। मगर आज हम तुम्हारे मेहमान, शाही मेहमान, और तुम्हें हमारी खातिर तवाजो करनी चाहिए। आप तशरीफ रखिए, मैं आपकी खातिर तवाजो का इंतजाम करती हूँ। जी नहीं, मेहमान नवाजी से तो अभी तक उस्ताद जी के हाथ पांव पीले हैं, अब तो आपके मेहमान हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे खातिर तवाज़ो करें, आप हमसे कुछ कहें, आप हमसे कुछ सुने। मेरे दोस्त, लो या ना खाओ, इसका बीज अनार से आया है। ये खाओ, इसकी सुखी मेरे से चौथी भी गालों तक पहुंच जाती है। तुमने वो शेर सुना है? क्या है वो? हाँ, ललवा लाल तेरे सेल जैसे गाल। अंबर कहा? अंबर? हाँ, अरे अंबर, 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 अंबर कहा? अंबर? हाँ, वाकई अंबर कहा है? बेटी, जिस घड़ी का इंतजार मैं कई वर्ष से कर रहा था वह आज आ गई। मैं भी तो 10 बरस से इसी घड़ी इसी बुलावे के लिए तरस रही थी नाना। तो बेटी, अपने दिल को फौलाद की तरह मजबूत बना लो और मेरे साथ आओ। कई बरस हुए महाराज ने अपने बेटे को, जो राजगद्दी का वारिस था, मरवा दिया, महज इसीलिए कि उसने महलों से दूर आकर एक पहाड़ी लड़की से शादी कर ली। महाराज को यह गवारा न था कि एक पहाड़ी लड़की और उसकी औलाद शाही इज्जत की हकदार बने। लेकिन उससे आज के बुलावे का क्या ताल्लुक? यही कि वो पहाड़ी लड़की तुम्हारी मां थी, जिस पर महल के दरवाजे बंद कर दिए गए, और फिर उसने ये खंजर अपने पेट में भोग लिया। यहां खड़े होकर ठीक इसी जगह, और फिर चीखती चिल्लाती नीचे उस खाई में जा गिरी थी। नाना, अंबर, आज भी उसकी चिता के फूल वहीं खाई में पड़े हैं, और उस दिन चुने जाएंगे जब तुम उस पर तोड़े हुए सितम का बदला ले लोगी। यही हम पहाड़ियों की रस्म है।
मैं इस रस्म को जरूर निभाऊंगी नाना। मैं इन सर बुलंद पहाड़ों की कसम खा के कहती हूँ कि अपनी माँ के दूध का हक जरूर अदा करूंगी। शाबाश शाबाश बेटी, मगर याद रखना इस सतम का जिम्मेदार वही महाराज है जो तुम्हें 10 बरस से अपनी बेटी बनाकर पाल रहा है। कोई भी हो नाना, दुनिया की कोई चाहत मुझे इतनी प्यारी न होगी जिस पर मैं अपना फर्ज कुर्बान कर दूं। तो ये बात है, 10 बरस से महलों में एक बेसहारा यतीम नहीं एक कातला पल रही थी। रात को बुलाओ। हमारी खुशकिस्मती है कि आप महलों में। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि आज रात महाराज का कत्ल होने वाला है। महाराज का कत्ल? जब तक मेरे दम में दम है मैं ऐसा कभी ना होने दूंगा। वफादार ठाकुर के बहादुर बेटे से मुझे यही उम्मीद थी। आप फिक्र मत कीजिए, अब से महल के कोने कोने में मेरा साया मंडलाएगा। सुनो, आज रात को अंबर जो ही महाराज को कत्ल कर दे तुम फौरन पहुंचकर उसे उठा ले जाना। और राज जिसे आपने अभी बुलाया था? वो महाराज को बचाने के लिए वहां आएगा और मैं उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लूंगा। और मैं और अंबर? तुम अंबर से शादी करके तख्त के हकदार बन जाओगे, समझे? आज रात तुम्हारा हर कदम नपा तुला होना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए पिताजी। सारी कायामत दो मिसरों में बांध के लड़ती। चार यार बशरत रफ्तम गदाई, यके शेर उर्दम यके उर्दम आई, यके बंदी खाना यके बादशाही, अजब कारदीदम बादशाही लाए। मतलब मुझे इसका मतलब नहीं सुनना, मुझे नींद आ रही है, आप जाइए। नींद आ रही मेरे हाथ। क्या गजब का शेर कहा है जालिम ने। जी चाहता है कि मरने वाले शायर की कब्र खोद के उसका मुंह चूम दूं। इधर मुलायदा फरमाइए, कहते हैं कि तेरे कुल खानदान पर आशिक मेरा कुल खानदान है प्यारे। मुझे सोने भी दोगे? लेकिन क्या खड़े खड़े दरवाजे के पास सोइएगा? मैं तो दरवाजा बंद करने आई थी। क्यों, कोई खतरा है यार? हाँ, जंगल का एक जानवर आ गया है महल में। अब जाओ मुझे सोने दो। Thank you.
महाराज महाराज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। क्या हुआ ताजेवान जी? महाराज महल की सारी बत्तियां एकाएक बुझ गई और आपके कमरे से चीखें सुनाई दी तो मैं सिपाहियों को लेकर आ गया। सिपाहियों महल का कोना कोना देखकर पता लगाओ ये किस नालायक की हरकत है। अरे फिर क्या कहने मैं डर गया। अरे इसका नीचे का डर नहीं ऊपर का सर है।
रोते हैं नैना गम के मारे, देख रही हूँ दिन में तारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे। रोते हैं नैना गम के मारे, देख रही हूँ तारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे। ममियन से पिंजरे में आई मैं पंछी मजबूर, पंछी मजबूर। ममियन से पिंजरे में आई मैं पंछी मजबूर, पंछी मजबूर। मन पालम के पास मेरा, तन पालम से दूर, तन पालम से दूर। आजा तू आजा प्रीतम प्यारे, जोड़ दे आकर टूट सहारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे। रोते हैं नैना गम के मारे, देख रही हूँ दिन में तारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे अलरिया माँ, तुम जगारे, तुम जगारे। मज गोड़ गन गिन तुन्ना, फिर पुर फर चिन चुन्ना। अलरिया माँ तुम जगारे, अलरिया माँ तुम जगारे। मज गोड़ गन गिन तुन्ना, फिर पुर फर चिन चुन्ना। रंग लाई है बाहर, रंग लाई है, रंग लाई है बाहर, रंग लाई है पिया को संग लाई है, पिया को संग लाई है। रंग लाई है बाहर, रंग लाई है, रंग लाई है बाहर, रंग लाई है पिया को संग लाई है, पिया को संग लाई है। अलरिया माँ तुम क्या करे, अलरिया माँ तुम क्या करे। चाल करो सबको निकाल, मेरे सामने जो आए भला किसकी मजाल, बोलो तुम चकारे। मैं भी पूरे ग्यारह साल जहाँ जाके नैनीताल, मैं जो लफा एक जमाऊँ उड़े खोपड़ी के पाल, बोलो छुप चकारे। अलरिया माँ, अलरिया माँ, रंग लाई है बाहर, रंग लाई है, रंग लाई है बाहर, रंग लाई है पिया को संग लाई है, पिया को संग लाई है। रंग लाई है बाहर, रंग लाई है, रंग लाई है बाहर, रंग लाई है पिया को संग लाई है, पिया को संग लाई है। चली आज वो मन जो आग बनी आज बोने फूल, गिर धा गिर धा गिर धागे तेना झोल, धागे तेना झोल, धागे तेना झोल। अलरिया माँ तुम क्या करे, अलरिया माँ तुम क्या करे, अलरिया माँ तुम क्या करे, अलरिया माँ तुम क्या करे।
क्या हुआ? अंबर कहीं चली गई है। आज अंबर चली गई, एक दिन तेरे हाथ से रात कटते भी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? हट जा! कितना खूबसूरत फूल! कहाँ? वो अगर वो फूल मुझे ना दो तो। फूल क्या जान मांगी होती? कहाँ जा रही हो? अंबर वापस आओ अंबर। ए ए बोला बच्चे ऐसी चीजों से नहीं खेलते। दीवान जी, जौहर को किसी न किसी तरह खत्म करना चाहिए। इसके लिए और फौज बढ़ाने की जरूरत है महाराज। जानते क्या हुआ? लड़के ने पहाड़ी लड़की के हाथ से खंजर ले लिया और दूसरे लड़के को चुप 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 मार डाला। अब लड़की का हाथ पकड़कर माझे गोड़ा गाना गिन तो ना, माझे गोड़ा गाना गिन तो ना, फिर चूर फा चिन चुन ना, माझे गोड़ा गाना गिन तो ना, माझे गोड़ा गाना गिन तो ना। ये क्या हिमाकत है? उम्र का तकाजा है दीवान जी, अगर हम बच्चे होते तो हम भी यही करते। खैरिये दीवान जी, जौहर के बारे में और कुछ कहना है? जानती हो अगर मैं महाराज से कह देता हूं तुम्हें फांसी पर चढ़ा देते। इतना ही नहीं, अगर तुम चाहो तो मुझे मौत के घाट से उतार, मगर तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। क्यों?
इसलिए कि मैं तुम्हारी, मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ। मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम महाराज का खून करना चाहो और मैं देखता रहूं। सुनो अंबर, मैं इसीलिए यहां भेजा गया हूं कि महाराज की हिफाजत और जरूरत पड़े तो कातिल को मौत के घाट उतार। तो तुम भी सुन लो राज, मैं भी यहां इसीलिए भेजी गई कि महाराज एक जालिम आदमी, उसके जुर्म का खात्मा करना मेरा फर्ज है। महाराज और जालिम, ये गलत है, झूठी तौम। सबूत चाहते तो आओ मेरे साथ। इससे पहले कुछ बताऊं, मेरे एक सवाल का जवाब देना। करो। अगर तुम्हें ये बताया जाए कि तुम्हारी मां पर किसी ने इतने जुल्म किए, वो तंग आकर इस किले पर आ गई और यही खंजर अपने पेट में भोंककर चीखती चिल्लाती नीचे खाई में जा गिरी, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने के लिए, तो तुम क्या करते? जरा इस खंजर की तरफ देखकर जवाब दो। मैं इस खंजर से जालिम का सीना चाक कर देता। फिर मुझे रोकने की कोशिश न करो, मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। मगर अंबर, महाराज ही तुम्हारी मां की खुशी के जिम्मेदार, ये तुम्हारा शक बेबुनियाद है। बेबुनियाद? मेरी मां की शादी इसी महाराज के लड़के से हुई थी, एक पहाड़न की शादी राजकुमार के साथ। ये बात महाराज को गवारा न थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मरवा डाला। फिर उसके बाद महलों के दरवाजे मेरी मां पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। आखिर यही खंजर एक बदनसीब बेवा का सहारा बन गया। उनके फूल आज तक वहीं खाई में पड़े और उस दिन तक नहीं चुने जाएंगे जब तक उन पर तोड़े हुए सितम का बदला न ले लिया जाए। यही हमारी पहाड़ी बसी। मेरी कहानी सुनकर दुख हुआ ना? हाँ अंबर, इतना दुख कि बताना चाहो तो बता न सकूं। मैं जानती हूं राज, तुम्हारे दिल की एक धड़कन सुन सकती। तो फिर मेरी एक बात मान लो, हो सकता है कि कातिल को दूसरा आदमी हो। अंबर, महाराज ऐसे आदमी नहीं, उनके किसी ने तुम्हें गलत कह दिया। मेरे नाना कभी गलत बात नहीं कहते राज। इंसान गलत भी हो सकता है अंबर। मैं तुम्हारे नाना से मिलूंगा। राज, नहीं राज, तुम उनसे न मिलो। अगर उन्हें यह मालूम हो गया कि तुम महाराज की तरफदार हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक जिंदा लाश बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह। जब तक सारी असलियत मालूम न करनी तुम महलों में नहीं जाओ। तुम ही सुन गई, तुम्हारे एक इशारे पर मेरी गर्दन झुक जाएगी। क्यों, क्या हुआ? ये पहाड़ है और हम पहाड़ी इस तरह नहीं मिला करते। फिर किस तरह मिला करते? इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? हाँ, तुम इत्तेफाक से यहाँ घूम रहे थे और मैं इत्तेफाक से आ गई। इतने में कोई आ गया और मैं इत्तेफाक से चल गई। इत्तेफाक से राज हमारे मेहमान। ओ, 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 सुनाओ मेरे भाई, यहाँ का मौसम पसंद आ रहा? तुम यहाँ कहाँ से तपस्या? अरे इत्तेफाक से। इत्तेफाक? ये मेरे भाई, इन पहाड़ों पे बहुत सी बातें इत्तेफाक से होती है। अब जब तुम इस पहाड़ पे आ गए हो तो इत्तेफाक से हम पहाड़ियों की मेहमान नवाजी का मजा भी चख लो। इत्तेफाक।
बिना प्यार की डोर दुनिया चाहे लगा ले जोर, दिल की बात बताऊं बालम दिल की बात बताऊं मैं दिल की बात बताऊं सुनते बिना प्यार की डोर दुनिया चाहे लगा ले जोर, दिल की बात बताऊं बालम दिल की बात बताऊं मैं दिल की बात बताऊं तेरी मोहब्बत मेरी जवानी तेरी मोहब्बत मेरी जवानी मिल मिल के छलकाए मस्ती हो जब तक है धरती का हो जब मत है धरती का दिल में है आकाश की बसी हो आकाश की बसी तू है चंदा मैं कपूर मंजिल अपनी गगन की ओर तेरे पास मैं आऊं बालम दिल की बात बताऊं मैं दिल की बात बताऊं घूम रही है मत उमंगी झूम रही है मत उमंगी दिल को मिला है दिल का सहारा हो तू दीवाना मैं हूँ दीवानी हो तू दीवाना मैं हूँ दीवानी कोई न जाने हो भेद हमारा तू है मेरे मन का मोर सुन ले मेरे दिल के चोर जीवन तुझ पे लुटाऊं पालम दिल की बात बताऊं मैं दिल की बात बताऊं टूटेगी ना प्यार की डोर दुनिया चाहे लगा ले जोर दिल की बात बताऊं बालम दिल की बात बताऊं मैं दिल की बात बताऊं भाई क्या इत्तेफाक है इत्तेफाक से तुम आ गए इत्तेफाक से धक्का लग गया और इत्तेफाक से तुम पानी में गिर गए और इत्तेफाक से नाना भी आ गए नाना ओ, मैं तो इत्तेफाक से झूठ बोला था और तुम सचमुच कूद पड़े इत्तेफाक से अरे तुम्हारे इस इत्तेफाक ने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए मगर तुम यहाँ आए क्यों इत्तेफाक से मैं यहाँ चल रहा था इत्तेफाक से मुझे प्यास लगी और इत्तेफाक से मैं यहाँ पानी पीने चले आया चलो पियो इत्तेफाक इस इत्तेफाक के चक्कर से मैं तंग आ गया कोई ऐसा तरीका बताओ अंबर जो इस इत्तेफाक बाजी से मैं बच जाऊं इसका तो एक ही तरीका है वो क्या शादी कर लो मुझे शादी तैयार है तुम एक बार हाथ करो हाँ तो मैंने कह दिया और तुम्हारे वो नाना वो भी मान जाएंगे मान जाएंगे तो फिर देर किस बात की नहाने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी जल्दी से अपने नाना से पूछो भाई क्या इत्तेफाक है इत्तेफाक ही इत्तेफाक से शादी का इकरार भी हो गया इत्तेफाक से जी हाँ इत्तेफाक से ओ, आप बाहर आना चाहते हैं आइए अरे 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 अरे
नहीं समझे क्या मतलब? मतलब ये है कि अंबर ने भरी बरादरी में तुम्हें अपना वर चुन लिया है। हाँ, चुन लिया? हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? हम पहाड़ियों के रस्म के मुताबिक तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ नाचना चाहिए। हाँ। नाना वर पसंद आया? मेरी अंबर की पसंद ही मेरी पसंद। शीमू, इस नाजुक बदन ने तुम्हें अपना वर चुन लिया, अब तुम उठो और नाचो इसके साथ। अच्छा अच्छा बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आवे सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आवे सीने है जो बादल बन के छाई है तेरी जुल्फों की ये रंगत है जो बादल बन के छाई है जो बादल बन के छाई है तेरी आँखों की मस्ती है जो सावन बन के आई है मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में
रिम छिम कुआर दिल गए रे मल्हार एक आगे सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम छिम कुआर दिल गए रे मल्हार एक आगे सीने में उल्फत का चले ऐसा जादू दुश्मन भी हमारे हो जाए हम दिल से हो दूर ना हो कोई मजबूर फिर आए मजा देने में जिम जिम ये कुवार दिल गाए रे महार एक आग लिए सीने में हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में रिम झिम ये कुवार दिल गाए रे महार एक आग लिए सीने में ओ, 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 ये घगरा पलटन यहाँ क्या करने आई तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जी गिरफ्तार कर छक्के क्यों छूट गए तुम्हारे मेरे यार हमारे यहाँ का रिवाज है कि चुनाव के रोज दूल्हे को सबसे पांव तक सजाया जाता है इत्तेफाक से क्या मैं इत्तेफाक से ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं सजाया गया मेरे भाई हम पहाड़ियों का ये रिवाज है कि पहले सरदार की बेटी का ब्याह होता है इत्तेफाक समझे राज को अपना जीवन साथी चुनकर तुमने इन पहाड़ों और यहाँ के रस्म रिवाज से गद्दारी की है इसका ख्याल है तुम्हें नाना आज मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया और शायद ये भूल कर कि तुम्हारी माँ के फूल अभी तक उस खाई में ज्यों के त्यों पड़े हैं और उधर तुम्हारे बाप का कातिल अभी तक जिंदा है मैं भूली नहीं नाना ये भूल जाती तो राज को अपना जीवन साथी न चुनती आप समझते क्यों नहीं नाना जब तक राज महलों में है मैं अपनी माँ पर तोड़े हुए सितम का बदला नहीं ले सकती और ना आपको अपना दिया हुआ वचन पूरा कर सकती यही सोचकर मैं उसे यहां लाई मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब तो फिर एक बात हमेशा के लिए समझ जाइए अंबर दुनिया जहान को भुला देगी लेकिन आपको अपनी माँ को इन पहाड़ों को और इन वादियों को कभी नहीं भुलाएगी इसके अलावा देखने वाली आंखों के सामने जो कुछ होता उसे खिलवाड़ समझ कर देखते तो जाइए ये खिलवाड़ कहीं हकीकत तो नहीं बन जाएगा मुझ पर भरोसा रखिए नाना मैं मानती हूँ राज से शादी करना एक इंतहा होगी लेकिन अगर मैं उस इंतहा तक पहुंचने लगूं, तो मुझे रोकिएगा मत शायद उसमें भी कोई मतलब हो मेरे दोस्त तुम तो बिल्कुल पहाड़ी दूल्हा दिखाई देते हो पर दुल्हन कहाँ है मेरे भाई बड़े बेसब्रे हो यार चूल्हा नहीं हुई दूध का कटोरा हुआ कि चूल्हे से उतार दे सामने रख दो मेरे यार हम पहाड़ियों का रिवाज है कि चूल्हा दुल्हन एक दूसरे को 7 दिन तक नहीं देखते हैं अभी तो पहला ही दिन है और वह है 7 मिनट पहला दिन 7 दिन मैं समझ गया अंबर कहां गई
राज, 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 नहीं नहीं राज, जाने दो, राज, मुझे जाने दो, एक टेबल में खून हो जाएगा भीम, मुझे जाने दो, राज, जागीर देखने चली गई थी पिताजी। राज कहाँ है? वो उसके पिता ने दो चार दिन के लिए उसे रोक लिया है। देखिए ना कितनी अच्छी तस्वीर है, किसकी है? मेरे बेटे की। जी ये आज जिंदा होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होता, इसके कातिल मुझे मिल जाए तो मैं उनकी खाले उतरवा दूं। कातिल कौन है? वो जालिम लोग जिनकी नजरों में एक महल और एक झोंपड़े की मोहब्बत बुना है, उन्होंने मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि बेचारे ने एक पहाड़ी लड़की से शादी की थी। उन्हें क्या हक था दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर डालने का? उसने क्या बुरा किया था? पहाड़ी लोग भी थे इज्जतदार इंसान है। क्या सचमुच आप यही सोचते? तुम्हें यकीन नहीं आता बेटी? किसी को भी यकीन नहीं आता। लोग यही समझते हैं कि वो कत्ल मेरे इशारे से हुआ। खैर अब तो खून के घूंट पेना रह गया है। बेटा भरी जवानी में चल बसा, बहू और एक नन्ही बच्ची थी, वही महलों में पहुंच जाती, लेकिन तकदीर को ये भी मंजूर न था। बहू बेचारी ने कहीं से कूदकर अपनी जान दे दी और वो नन्ही बच्ची न जाने कहां और किस हाल में है। अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूं। पिताजी मैं ही हूं वो लड़की, आपकी पोती अम्मा। मेरी बच्ची, तुमने ये किस गलती की सजा दी कि 10 बरस तक इस राज को छुपाए रखा। सजा नहीं महाराज, साजिश, आपको कत्ल करने की साजिश, यही इस लड़की का मंशा था और इसीलिए महलों में 10 बरस रही। मैं खूब जानता हूं इन पहाड़ी लोगों को, आपके खून के प्यासे हैं। ये देखिए खंजर। इसका मतलब यह है दीवान जी कि हमारी तरफ से पहाड़ी लोगों पर इतने जुल्म हो चुके हैं कि आज हमारी ही पोती हमारा खून करने पर मजबूर हो गई। हाँ पिताजी, इस हुकूमत ने वाकई पहाड़ियों पर बड़े जुल्म किए, वो मेरी माँ की मौत को अभी तक नहीं भूल सके और मेरे नाना को भी यही यकीन है कि आप ही ने अपने बेटे को कत्ल करवाया था। हमें यह सुनकर बड़ा सदमा हुआ बेटी, तुम आज ही नाना के पास जाओ और उनसे कहो कि उनका ये यकीन बेबुनियाद है। उनसे ये भी कह दो कि हम अपना तख्तो ताज, अपना सब कुछ अपनी पोती के हवाले करके खुद तीर्थ यात्रा को जाने के लिए तैयार है। कहना यह महल आपका घर है, इसके दरवाजे किसी पहाड़ी पर बंद नहीं। जाओ बेटी, चल जाओ। सिपाहियों, दीवान जी। हुक्म महाराज। आइए एक बाजी शतरंज की हो जाए। अंबर, तुम महलों की ऊंची दीवारों और भारी भरकम दरवाजों की कैदी बन गई हो, जिस मकसद के लिए मैंने 10 साल तक तुम्हारी जुदाई का सदमा बर्दाश्त किया, वही मकसद
आज तुम्हारे आंसुओं के साथ घुल मिलकर बह रहा है। मुझे माफ कर दो नानी, मेरे हाथ कांप गए। हाथ इसलिए कांप गए कि तुम महलों में जाकर इन पहाड़ों को भूल गई, अपने खून को भूल गई, अपना फर्ज भूल गए। नहीं नहीं नाना, महाराज बहुत ही अच्छे, वो तो ये चाहते हैं कि सारा राजपाट मेरे हवाले करके तीर्थ यात्रा को चले जाएं। तीर्थ यात्रा? क्या हम पहाड़ियों पर किए हुए जुल्म की माफी चाहने या और जुल्म करने की ताकत मांगने? नहीं नाना, वो कहते हैं पहाड़ी हमारे समधी हैं, उनके लिए महलों के दरवाजे हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। यकीन न हो तो मेरे साथ चल के देख लीजिए। लड़की, मेरी लाश ही महलों में जाएगी, या अगर मुझे जाना ही पड़ा तो उस दिन जाऊंगा जिस दिन मुझे ये यकीन होगा कि महल के अंदर मेरा पहला कदम राजा की लाश से टकराएगा। ऐसा न कहिए नाना, महाराज ने आपको सच्चे दिल से बुलाया है। क्या सितम जरीफी है जिस दगाबाज ने माँ का हक दबाने के लिए अपने बेटे को ही कत्ल करवा दिया। बेटी उसी कातिल की तरफदारी कर रही है। कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं करवा सकता, ये महज आपकी गलत फहमी है। खामोश लड़की, अगर तेरा खून सफेद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहाड़ी लोगों की गैरत ने भी दम तोड़ दिया है। अभी हमारे बाजुओं में इतनी ताकत जरूर है कि जालिम को अपने कदमों में झुकाकर उसके हर जुल्म का हिसाब मांग सके। नाना, महाराज, पहाड़ी लोगों को जो आपने दोस्ती का पैगाम भेजा था उसके जवाब में उन्होंने ये लाशें भेजी हैं। ये लाशें गवाह हैं इस बात की कि वो हमारे दुश्मन और खून खराबे से बाज नहीं आएंगे। दीवान जी, वो उस वक्त तक बाज कैसे आ सकते हैं जब तक वो गलत फहमियां दूर न हो जाए जो उनके और हमारे दरमियान पैदा हो चुकी हैं। ये गलत फहमी नहीं महाराज, दुश्मनी है। गलत फहमी, सरासर गलत फहमी, जो बढ़ते बढ़ते दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। आप आज ही उनके इलाके में जाकर नाना को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ ले आइए, हम खुद एक समधी की हैसियत से उनसे बात करेंगे। लेकिन महाराज आप। दीवान जी, हुक्म की तामील हो। मैं महाराज का पैगाम लेकर आया हूँ कि आपने जिस कातला को आसरा दिया है मैं उसे गिरफ्तार करके महलों में ले जाऊं। और अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करने से इनकार कर दूं तो महाराज के हुक्म के मुताबिक मुझे लश्कर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा नाना। अपने राजा का हुक्म टाल दोगे? हाँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरता, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी दिलेरी और सच्चाई का कदरदान। मैं जानता हूं कि महाराज की तरफ से आप लोगों पर बहुत से जुल्म हो चुके हैं और अब भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जबकि महलों में आप लोगों को तबाह करने की साजिशें न होती हों। तो क्या यही खबर देने के लिए यहाँ आए हो? सिर्फ खबर देने के लिए ही नहीं नाना, बल्कि आपकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। मैं ये कहने आया हूँ कि आइए आप और मैं मिलकर इस जालिम महाराज का तख्ता ही पलट दें। मैं आपको महाराज की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहता हूँ नाना। आइए। नहीं, इस रद्दार और नमक हराम से हाथ मिलाना हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। हमें न गद्दी चाहिए न ताज, हम अपना हक मांगते हैं। हमें अपना हक मिल जाए इसके बाद
हमारा और महाराज का कोई झगड़ा नहीं। आप जितने बहादुर और दिलेर हैं, उससे कहीं बढ़कर सादा दिल भी है नाना। वो आदमी जिसने आपकी बेटी शाही हक छीनने के लिए अपने ही बेटे को ठाकुर नामी लुटेरे से मरवा दिया, और अब अंबर को मरवाने के लिए उसी ठाकुर के बेटे राज को मुकर्रर कर दिया है। क्या कहा? अंबर को मरवाने के लिए राज को मुकर्रर किया है? राज, 7 दिन पूरे हो गए। आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई दुल्हनिया छुम छुम करती, आई। चुप भीमू। हंसो, हंसते क्यों नहीं? आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई ना? राज, राज मैं बेगुनाह। बेगुनाह? किसी की मोहब्बत का गला खोल दो, किसी निर्दोष को 7 दिन कैद में रखो, फिर कहो तो मैं बेगुनाह? राज, राज मेरी हालत पर रहम करो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। इन आंखों में प्यार जरूर छलकता, मगर दिल में चालबाजी और मक्कारी का जहर भरा हुआ है। यकीन कर लो राज, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्ही से प्यार करती हूँ। यकीन कर? फिर से धोखा खाने के लिए? अब तो मैं इस किस्से को खत्म करके ही रहूंगा। राज, राज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठी मक्कार। हम प्यार तुम्ही से करते हैं, हम प्यार तुम्ही से करते हैं। नादान बलम तुम क्या जानो, टूट गए दिल टूट गया, पाया है जो हम तुम क्या जानो। हम प्यार तुम्ही से करते हैं। जब हमको बनाया था अपना, क्यों हाल न दिल का जान सके। एक फूल चुना, एक फूल चुना और फेंक दिया, खुशबू भी नहीं पहचान सके। ठुकरा दिया मेरी उल्फत को, अपना ये सितम तुम क्या जानो। हम प्यार तुम्ही से करते हैं। मिट जाए मोहब्बत की दुनिया, ये बात कोई आसान नहीं। अरमान भरा, अरमान भरा ये दिल मेरा, नाजुक है मगर नादान नहीं। तू फेर लो हमसे लाख नजर, बदलेंगे न हम तुम क्या जानो। हम प्यार तुम्ही से करते हैं, हम प्यार तुम्ही से करते हैं। नादान पलम तुम क्या जानो, हम प्यार तुम्ही से करते हैं।
मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम इसी तरह ठुकराई जाओगी। जिसके प्यार से खेला जाए उसे ठुकरा देने का हक भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये हक भी मिल जाता है कि वो प्यार के धोखे में रखकर कोई ओछा या कमीना वार करने की ताक में रहे। कौन है जो प्यार के धोखे में रखकर एक कमीना वार करने की ताक में? मैं या आपकी चहेती अंबर? पूछिए उसी से। पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या मैं अपने आंखों से नहीं देख रहा हूं कि तुम मोहब्बत का ढोंग रचकर इसका खून पीने की फिक्र में हो? ढोंग तो इसने रचा है, अपने मतलब के लिए मोहब्बत का दिखावा करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं समझता था कि पहाड़ी सच्चे इज्जतदार और अपनी बात के धनी होते हैं, मगर असलियत देखकर मेरी आंखें खुल गई। आप लोग धोखेबाज निकले। धोखेबाज तुम और तुम्हारा खामबाज। जबान संभालिए नाना, शराफत का दामन अपने हाथ से न जाने दीजिए। शराफत? तुमने और तुम्हारे बाप ने लोगों को कत्ल कर करके जागीरें लेने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, क्या वो शराफत है? आपकी बुजुर्गी और उम्र का लिहाज मुझे रोक रहा है नाना, वरना अपने खानदान की शराफत का यकीन दिलाने के लिए आपकी जबान तराश लेता। हर झूठा सच कहने वाली जबान को काट देना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं नाना? ये कह रहा हूं ना समझ लड़की कि सच अभी जिंदा है। ये तुम्हें प्यार नहीं करता, बल्कि धोखे में रखकर दुनिया और जहां की नजरें बचाकर तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। ये झूठ है। नहीं बावरी, ये सच है। ये उस कातिल का लड़का है जिसने एक जागीर के खातिर तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया था, और आज तुम्हें भी उसी तरह मौत के घाट उतारने के लिए ये आया है, ताकि तुम तख्तोताज की हकदार न बन सको। ये झूठ है नाना। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें हुक्म दिया था कि जाओ महलों में जाकर साये की तरह अंबर का पीछा करो? ये कहकर भेजा था कि उससे पहले कोई महाराज की जिंदगी से खेल जाए तुम उसकी गर्दन मार देना। अब यकीन आया अंबर? मुजरिम खुद मान रहा है कि वो क्यों तुम्हारे रास्ते में आया था, क्यों तुमसे मोहब्बत की थी, महज इसलिए कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मार डाले, दुनिया को तुम्हारी मौत की हवा तक न लगे, और फिर महाराज इसे एक और जागीर दे दे। नहीं नाना, अगर ऐसा होता तो आपकी अंबर आज जिंदा ना होती। अगर ये एक इशारा कर देता तो मैं सूली पर लटक जाती। कह दो राज, कह दो कि ये सब झूठ है, तुम्हारे पिताजी ने मेरे बाप का खून नहीं किया। कह दो राज। साबित हो जाए कि मेरे पिताजी वाकई मुजरिम है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने हाथों बांध कर उन्हें आपके कदमों में दूंगा। आग निकलने की राह खूब निकाली, मगर अब तुम्हें यहां से जिंदा जाने ही कौन देगा? इन्हीं पहाड़ों में तुम्हारी लाश पर गिर मंडलाएंगे। अंबर, प्यार तुम्हें अंधा बना सकता है, मुझे नहीं। पकड़ लो इस कमीने को, पकड़ लो। ये इलाका भी कितना अजीब, पहाड़ है कि इतने ऊंचे के आसमान के सितारों से आंखें मिला, और इन्हीं पहाड़ों में रहने वाले इंसान इतने गिरे हुए के मेहमान बनाकर मेहमान नवाजी नेजे और थालों से कर। झूठा इल्जाम लगाकर इतना मौका तो दिया होता कि अपनी सफाई तुम्हारे सामने पेश कर सकता। नाना, मैं इन पहाड़ों की बेटी हूं, लेकिन इस वक्त मैं भी वही सोचूंगी जो राज सोच रहा है। एक आदमी तड़प रहा कि उसे सफाई का मौका दिया जाए, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाता। ये नाइंसाफी इन पहाड़ों के माथे पर कलंक का टीका लगा देगी। अच्छा जाओ राज, मगर याद रखो, अगर वापस नहीं आए, बूढ़े सीने में अब भी एक ऐसा शोला लपक रहा है, जहां भी जाओगे तुम्हें जलाकर राख कर देगा। अब ये कभी वापस नहीं आएगा अंबर। मेरा दिल गवाही दे रहा है, राज जरूर आएगा।
ले आया नाना को? नहीं महाराज, मैंने नाना की लाख मिन्नतें की कि वो महल में आकर आपसे मिल ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोले कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि महाराज का तहरीरी पैगाम मुझे नहीं मिले। तो फिर तहरीरी पैगाम भेज दो। मैंने कागजात तैयार कर लिए, सिर्फ आपके दस्तखत की जरूरत है। लाइए तो मैं बड़ी खुशी से दस्तखत कर देता हूँ। दीवान जी, इसका मतलब इस शाही फरमान के मुताबिक जिस पर कि आपने अभी दस्तखत कर दिए हैं, आप हुकूमत की तमाम जिम्मेदारी मेरे हवाले करके खुद तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। दीवान जी, कानून की आड़ लेकर आप हमें देर तक जंजीरों में जकड़ न सकेंगे। वो हाकिमों का हाकिम आपकी इस दगाबाजी और नमक हरामे को कभी माफ न करेगा। ले जाओ। एक कांटा तो निकल गया, दूसरा जहरीला कांटा अभी बाकी है। क्या ये सच है पिताजी? क्या आपने अपनी सारी जिंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं चाहा कि तब तो ताज के वारिस मरते रहे? आप खामोश क्यों? क्या ये सच है कि मेरे बारे में आपका सबसे बड़ा सपना यही था कि जिस तरह आपने अंबर के बाप को मारा उसी तरह मैं अंबर को कत्ल कर दूं? बोलिए, कहिए कि ये झूठ है, कहिए कि ये झूठ है, ताकि दुनिया ये ना कहे कि बेटे ने बेगुनाह बाप को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कि मैं वादा करके आया हूं कि अगर आप बाप का ही कातिल हैं तो मैं आपको गिरफ्तार करके नाना के सामने ले जाऊं। सुनते हैं, मैं वादा करके आया हूं, मैं वादा करके आया हूं। बोलिए। Thank you.
उसे और कैद खाने में डाल दो। देखा जौहर, हमारी तरकीबें कैसी कामयाब हो रही हैं। अच्छा तो अब सुनो। बहुत अच्छा पिताजी। दीवान जी, नाना, आखिर वही हुआ ना जिससे मैं डरता। आपने मुझे इस काबिल ही ना रहने दिया कि मैं महाराज को मुंह दिखा सकूं। एक तरफ तो मैं महाराज के सामने आपकी तारीफों के पुल बांध रहा था, और इधर आपकी तरफ से एक ऐसा कदम उठ गया जिसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपका मतलब? जी, मतलब ये कि आपके आदमी शाही घोड़े चुरा लाए। झूठ, गलत, सरासर झूठ। नाना, हाथ कंगन को आरती क्या, दो कदम बाहर आ जाइए तो मैं आपको शाही घोड़ों की टापों के निशान दिखा दूं। मैं नहीं मानता, ये धोखा है। अगर सबूत इतना नजदीक है तो चल के देख लीजिए। चलो। ये देखिए शाही टापों के निशान। दो कदम और आगे आ जाइए तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने घोड़े चुराए गए। लीजिए, जरा दूर हट जाए। बहुत आंखों से देख लिया ना बेटी, ये महलों में रहने वाले कितने धोखेबाज हैं। इतना कमीनापन, इतनी धोखेबाजी मैंने कभी नहीं देखी। जलील कहीं की आपको धोखे में रखकर गोली मार दो। जो अपने बेटे को कत्ल करवा सकता है उसके लिए ये मामूली बात है अंबर। नाना, आज मेरी आंखें खुल गई। अब तो तुम उन लोगों की बातों में नहीं आओगी ना बेटी। कभी नहीं नाना। अपनी माँ के फूलों को न भूलना, उस रस्म को कभी नहीं भूलूंगी। Thank you.
मालूम था कि तुम इसी तरह खंजर लिए हुए आओगी। दीवान जी, महाराज कहाँ है? मुझे ही महाराज समझ लो, जो कुछ कहना है मुझसे कहो। सच बताइए दीवान जी, महाराज कहाँ है? महाराज लापता है। ओ, जैसे महाराज का बेटा लापता हो गया था वैसे ही महाराज भी लापता। क्यों दीवान जी? चुप रहो अंबर, वरना मैं तुम्हारे फरेब और तुम्हारे वजूद को मसल कर रख दूंगा। आप क्या किसी के वजूद को मसल सकते हैं? राजा के रूप में ही नहीं, आपका वजूद तो एक इंसान के रूप में भी झूठा। एक चुहिया ने पहाड़ से कहा, आए पहाड़ तुम्हारा वजूद झूठा है। चट्टानों वाले पहाड़ ने मुस्कुरा कर एक जरा सा कंकड़ उछाल दिया और चुहिया उसके नीचे दबकर वहीं चित हो गए। लतीफा पसंद आया? ये मत भूलिए दीवान जी, क्या आसमान वाला जब चाहता है मकरो फरेब के पहाड़ को एक मामूली झटके से जमींदोज कर देता है। मुझे कोई जमींदोज नहीं कर सकता, ले जाओ उसे और डाल दो तहखाने में। क्या नसीब का सितारा जगमगा रहा है, जो पासा फेंकता हूं सीधा ही पड़ता है। मेरी हवस और उमंगों के रास्ते में जितने रोड़े थे सबके सब हट गए। अब मैं हूं और हुकूमत, ये तख्त और ये ताज सब कुछ मेरा है। तू? आपने नाना के पास मुझे इसीलिए भेजा था कि मैं उसे मार डालूं और उसके आदि मुझे मार डाले। अफसोस कीजिए पिताजी, आपकी यह आखिरी तरकीब कामयाब ना हुई, तख्त का हकदार बच गया। कहता हूं इसी तख्त के लिए मैंने आपका हर हुक्म माना, महाराज के बेटे को कत्ल किया, राज की बाप को मार डाला, नाना को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए नहीं कि आप इस तख्त की मालिक बन जाए। खामोश। अरे अरे कोई है? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली पिताजी, महल पर अब आपका नहीं मेरा कब्जा है। अंबर को कैदखाने से ले आओ। दिल को करार, जमाना सच कहता है, जमाना सच कहता है। बसाया मन में
चलते हैं यहाँ परवार गम के हजार, जमाना सच कहता है, जमाना सच कहता है। दर्द का है बाजार ये संसार, जमाना सच कहता है, जानते नहीं अंबर तुमसे मोहब्बत करती है। मैं खूब जानता हूं जैसी वो मोहब्बत करती है। तुम क्या खाक जानते हो? अरे भाई हम पहाड़ी अपनी धुन के पक्के होते हैं, इसलिए जरा वो अल्लड़पन से पेश आती है, वरना दिल से तुम्हें ही प्यार करती है। ये पसंद है? नहीं। ये तो जरूर पसंद होगा। नहीं। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, तो क्या पसंद? मुझे कुछ भी पसंद नहीं। अबे चुप है घनचक्रो, तुम तो कहते थे कि हम ऐसा सामान लाए हैं कि दुल्हन खुशी के मारे पागल हो जाए। ये सामान है? सरकार घबराते क्यों है, देखते जाइए देखते जाइए। खड़ंग सरकार, खड़ंग। दिल्ली सरकार, दिल्ली। लोटा सरकार, लोटा। माल हुक्का सरकार, हुक्का माल सरकार।
साधु का लोटा सरकार। सरकार बधाई हो बधाई हो। बाजा दिल्ली दरबार का जिंदा दिल कुत्ता आसाम का, जिंदा दिल बिल्ली हिमालय की, जिंदा दिल कगर कगरगोश आसामी, मुर्दा दिल शेर बंगाल का। दे जाओ ये सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इत्तफाक से एक नजर इधर भी मुलाजा फरमाइए। देखते जाइए सरकार, देखते जाइए। वाह 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 वाह। अभी तो आधा है। ये है पहाड़ी दूल्हे का लिबास। इसे पहनकर पहाड़ी दूल्हा 7 दिन तक दुल्हन को नहीं देख सकता। अबे मैं ऐसा बेवकूफ दूल्हा थोड़ी हूँ जो 7 दिन तक अपनी दुल्हन को ना देख सकूं। सरकार ये तो इत्तफाक से पहाड़ी रस्म है, है ना? इत्तफाक से। और ये देखिए जरा हंसी हंसी। ये इत्तफाक से पहाड़ी दुल्हन का लिबास है। ये मुझे बेहद पसंद। कहिए सरकार। आप भी मुझे बेहद पसंद है। चमत्कार आपकी तरफ से, आपकी तरफ से। शाबाश शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हैं कि हमारी दुल्हन को बहुत खुश किया। सरकार अगर आप हमें जरा और मौका दे तो आपकी दुल्हन को और भी खुश कर देंगे। वो कैसे? सरकार पटाखे से पटाखे पटाखा। सरकार हमारे यहाँ ब्याह शादियों में पटाखा छोड़ा जाता है, बस धमाका होते ही पहाड़ी औरत और मर्द नाचने लगती है। और वो भी ऐसा नाच सर, ऐसा नाच सरकार कि शादी की शान 10 गुना बढ़ जाए। हजूर अगर इजाजत दें तो आपकी शादी पे भी ये चमक चमक हो जाए। हाँ जरूर जरूर, हमारी इजाजत है। सरकार लेकिन हमारे यहाँ तो नाच गाने वाली लड़के और लड़कियों का लश्कर है। हाँ, महल के अंदर कौन आने देगा? ये लो हमारी अंगूठी, इसे दिखाकर तुम महल में दाखिल हो सकते हो। जाओ तुम भी जाओ। ये देखो जौहर महाराज की अंगूठी, उन्होंने कायदी महाराज को अपनी शादी का नाच दिखाने के लिए बुलाया है। पहचानते नहीं, ये महाराज की अंगूठी है। जल्दी दरवाजा खोलो। अटखन दई चटाखा तू 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 धूम धड़का धूम धड़का हो, दिल मिल दिल मिल धूम धड़का, बोलो मिल मिल धूम धड़का धूम धड़का, बोलो 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 धूम धड़का। टंपकटू से आया हूँ मैं लेकर धूम धड़का, टंपकटू से आया हूँ मैं लेकर धूम धड़का, अरे झूठी बात को सच्चा कर दूँ मेरा दाव है पक्का। लाया हूँ संदूक में भर के नैनों की बंदूक, इसी में रंग रूप के छत्ते नाचे बनकर ताश के पत्ते, अक्कड़ बक्कड़ लोहे की चक्कर लाल बुझक्कड़ चल कल करते हो। टिक्की
जवा नाचे नाचे पंजा छक्का बेसुकन कौवा लखनऊ के चौराहे पे हो लखनऊ के चौराहे पे अरे वाह रे बेटा वाह वाह मैं पंजाब पंजाब का हूँ मैं कोलंबो का छक्का हो अटखन चढ़खन धई चटाखा टमक टू से आया हूँ मैं टमक टू से आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ लोहे करते छत्ता अट्ठा नैला दहला नाचे जैसे चक्का मेरा नाम है सत्ता मेरा सात सकों का भत्ता मेरा सात सकों का भत्ता मैं अच्छा हूँ तंबक तू के राजगुरु का पट्टा हूँ मैं एक नहला पंखा चहला कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ वो कुछ मीठा कुछ खट्टा हूँ सच्चे अच्छे नहले कच्चे नहला हूँ मैं पक्का हूँ बोलो 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 अटखन चढ़खन धई चटाखा टमक टू से आया हूँ मैं टमक टू से आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ लोहे की टक्कर लाल उधक्कड़ चल कल करते महल में एक दरबार लगेगा देखो धूम धड़क्का मैं हूँ हुक्म का गुलाम और देखो लाया हूँ पैगाम राजा की सवारी आती है संग राजकुमारी आती है खामोश न कर बकवास खामोश न कर बकवास तुझे इस महल में रहना होगा महल में रहना होगा महल में रहना होगा प्यारी है तुझे घर जान तो हमको प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा प्रीतम कहना होगा
है कोई, ले जाओ इस नागन को, दे दो किसी कुएं में धक्का। ले जाओ इस नागन को, दे दो किसी कुएं में धक्का। हो धूम धड़का, धूम धड़का हो, बोलो 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 धूम धड़का। अटकन चटकन दई चटाखा, अगड़म बगड़म भई मटाखा, खबरदार। मेरे प्यार की रानी को जो कोई हाथ लगाएगा, कोई हाथ लगाएगा, कोई हाथ लगाएगा, तो वही वही मुंह की खाएगा, अपनी जान गवाएगा, वही अपनी जान गवाएगा, वही अपनी जान गवाएगा। बम्बकबू बम्बकबू, बम्बकबू से आया हूँ मैं लेके धूम झलकता, बम्बकबू से आया हूँ मैं लेके धूम झलकता। सच्चे खेल को झूठा कर दूं, मेरा दाव है पक्का। धूम धड़का, धूम धड़का हो, मिल 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 धूम धड़का, बोलो मिल मिल धूम धड़का, धूम धड़का, धूम धड़का। अड़खन चढ़खन दई चटाखा, जा 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 इस राज में तेरा चल न सकेगा सिक्का। जान सके तो जान ले मुझको, मैं हूँ तुरकाई का, अरे मेरी ताकत देख मैं चौबे को बना दूं नहला, और मेरा लोहा मान के मैं पंजे को बना दूं दहला। अरे मैं चाहूँ तो दुग्गी में सत्ते का रूप दिखा दूं, और मैं चाहूँ तो राजा को चिड़िया का गुलाम बना दूं। अगरम बगरम भई मटाखा, टपकू से आया हूँ मैं, अड़खन चढ़खन दई चटाखा, टपकू से आया हूँ, मेरे हुक्म से जाओ पत्तो राजमहल से टपकू, मेरे हुक्म से नाचो पत्तो चाक दिना दिन, बम पकबू बम पकबू बम पकबू, अक्कड़ पक्कड़ लोहिक चक्कर, लाल चक्कर झलक करते हु, सत्तर ऊंट बहत्तर घोड़े, नाच के लाए बावन बत्ते हु, अड़खन चढ़खन दई चटाखा, अगरम बगरम भई मटाखा, जोकर जो ठहरा। Thank you.
महाराज, यही आपके बेटे और मेरे पिताजी का काम। शाबाश, आज तूने अपने बहादुर पिता का नाम रोशन कर दिया। अंबर बेटी, इस गद्दी और राज की हकदार तुम्ही हो। मैं महाराज? हाँ, राज तुम्हारा जीवन साथी है बेटा। चलो मेरे बच्चों। Thank you.